हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हमारे घर में हो रहा है पेंट। तो आपको बताती हूँ, जो ये आपको गंद वंद दिखाई दे रहा है, तो ये कुछ समय के बाद इसकी चेंज होने वाली है शक्ल। सो फ्रेंड्स, अब हमारे घर में पेंट का काम स्टार्ट हो रहा है। तो इनके पापा ने कल संडे को इतनी दीवार तो साफ़ कर दी है, बाकी ये करेंगे वो पेंट वाले, वो आएंगे ऊपर की साइड की तो वो कर लेंगे। और इनको तो बना किया था कि रहने दो, पर नहीं, इनको एक बार पता होना चाहिए, तो बस लग गए, फिर काम रुकते नहीं है। तो इतना कर दिया, बस अब ये चलेंगे स्कूल। तो मेरे को करनी है यहाँ की सफाई सारी। वाइट वॉश का काम स्टार्ट हो चुका है। जो फर्स्ट स्टोरी है ये तो कर ली थी उन्होंने ही साफ, वो मतलब खुद कर लेते हैं, उनसे रहा नहीं जाता। तो ये सेकंड स्टोरी कर रहे हैं ये लोग साफ। मैं इनकी कल से स्टार्ट हो जाएगा पुट्टी वगैरह जो भी करते हैं। और अभी आप ये सीन लास्ट टाइम ही देख सकते हो हमारा ये घर ऐसा, इसके बाद इसका हो जाएगा चेंज सब कुछ। देखते हैं कौन सा पेंट होगा, तो बने रहिएगा वीडियो में हमारे साथ। सो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं शाम के टाइम अमरटैक्स में। तो जहाँ पे कि मैंने काफ़ी सारी परचेजिंग की है, वो आपको मैं बताऊंगी कि मैंने क्या क्या परचेज़ किया। और मेन बात ऐसी है कि इसमें मुझे ओवर वॉइस इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि पीछे बहुत सारे सॉन्ग लगे हुए थे। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आज बहुत वो शॉपिंग करने गए थे, तो बट आज तो मैं स्कूल के ऊपर से नहीं गई, गाड़ी में गई। हमने बहुत सारी शॉपिंग की अमर टैक से, तो ये भी लिया ये। बट एक वहाँ पे ना ये दाने तो बहुत अच्छी है लगती, तो मैं बैठी हूँ यहाँ पे बाजार में, जिसको जो लेना है वो ले, क्योंकि बहुत काम है। इनको लाओ फिर रखो, ये भी एक काम होता है। हमें तो वही कई सामान अच्छा लगता है मुझे तो ये, और क्योंकि एक वहाँ एक साथ और रखो कि एक बार जाओ और एक ही राउंड में सब कुछ लेके आ दो, ये नहीं कि बार बार एक चीज़ के लिए फिर दूसरी शॉप में जाओ इधर उधर जाओ, ये नहीं है। तो मैंने ये देखो अपनी मनपसंद का चीज़ ली है, जो बहुत अच्छा मेरे लिए, जो चीज़ बहुत जरूरत है मेरे लिए। ये वाइपर, वो पुराने वाला वाइपर खराब हो गया था, वो वाइपर भी हमारा 2016 से था चला हुआ। और ये देखो अभी मैंने नया लिया, और ये सेट बनाया है, डस्टबिन भी हमारा इसी कलर का है, तो मैंने इसके साथ इसका मैचिंग कर लिया। ये भी है साबुन भी, हाँ। और एक बात है, ये पाउडर और इस, हाँ इसमें ना उसमें सेल लगी थी परफ्यूम में, तो हमने मतलब ये मैंने अपने लिए लिया, ये इनके लिए अभी है इनके पास जबकि। तो ये तो मेरे को बोल रहे थे कि क्यों ली दो, उनको नहीं पता कि इसमें ऑफर चला है। और ये अनारदाना स्पेशल चटनी बनाने के लिए, और ये जीरा, और ये क्या कहते हैं इलायची, और ये शक्कर,
और जो ये शक्कर है ना इसकी, ये जैगरी है ये, और ये जैगरी हाँ 1 kg ली। ये हमने 1 kg ली जैगरी, दो तो जरा इसके साथ वाला पैकेट करे थे, ये हमने 1 kg ली है। और ये शक्कर ना बहुत अच्छी है, प्योर जिसको बोलो। और शैम्पू तो मैं यही यूज करती हूँ पतंजलि का, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला, वैसे बाल भी स्ट्रेट रहते हैं, वैसे मेरे बाल स्ट्रेट ही है, मैं कुछ करती नहीं हूँ। और ये विम जेल पूरे मंथ का आ गया, क्योंकि मेरे लिए तो यही शॉपिंग होती है, ये भी ये मैंने एक्स्ट्रा लिया है। ये पतंजलि का, और जो ये पतंजलि वाला कपड़े वाला कपड़े धोने वाला साबुन होता है ना, ये तो बहुत अच्छा होता है, मतलब जब इनको धोते हैं ना हाथ भी मतलब रफ नहीं होते, बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं हाथ जब इससे कपड़े। ये मैंने तो बाथरूम में रखा होता है एमरजेंसी के लिए, ऐसा नहीं वैसे मैं तो सर्फ ही यूज़ करती हूँ। और ये विम बार ये रखी है मैंने एमरजेंसी की टिक्की कि कभी कभार हो जाए, क्योंकि लास्ट डेज में होता है ख़त्म। और ये लिया मैंने फिर एन डब्ल्यू का फेस वॉश, क्योंकि यहाँ पे काले हो गए, आधार कार्ड से मिलने वाली शक्ल अब थोड़े दिन में हमारी। ये लिया मैंने सर्फ, ये चेंज किया मैंने पिछले मंथ से, पहले हम सर्फ एक्सल लगाते थे बट मैंने लास्ट मंथ से इसको चेंज कर लिया, सर्फ मैटिक ले रही हूँ मैं, और जो कि मतलब बहुत अच्छा। हाँ एक बात है, इसमें झाग नहीं लगता है, पर झाग ना बने, बट इसकी खुशबू भी रहती है और साथ में ये कम्फर्ट भी, ये तो भाई जरूरी है आजकल, जैसे अपने लिए हम परफ्यूम रखते हैं ना, कपड़ों के लिए भी रखनी पड़ती है ये। तो ये था मेरा, हाँ और ये भी लिया है झाड़ू, इसकी भी मेरे को बहुत जरूरत थी। और साथ में एक बेडशीट भी हमने ली, चावल लिए, चावल भी बहुत अच्छे थे, पहले हम 10 साथ लेते थे, बट इस बार पिछले मंथ से ही हमने, हाँ लास्ट मंथ में हमने 10 1007 वाला लिया ना, ये वाला 1007 वाला चावल बहुत अच्छा है। और ये हमने बड़ा ही बिस्किट ले लिया एक बार, अभी खोला नहीं है, पता नहीं ये कब खत्म, ये टिकता नहीं हमारे घर में कुछ भी खाने वाली चीज़ें। तो फ्रेंड्स मैं अब थक चुकी हूँ, बहुत टायर्ड हो गई हूँ, तो बताती हूँ आपको उसके बाद। अब फिर बोलते हैं कि काम ही नहीं, कुछ काम नहीं, क्या काम है किचन में, तो इतने काम होते हैं। झाड़ू, और ये भी लिया मैंने टाइल्स साफ करने के लिए, बाथरूम की टाइल्स को साफ करने के लिए। गर्मी है इतनी बहुत, और मुझे ये वाली नमकीन तो बहुत टेस्ट लगती है, जो इसमें दाग फट गई है मीठी मीठी बीच में ना। और एक बात कहूँ आपको मैं खास की, और एक बात आती हूँ, मैंने जितने भी ये पैकेट्स हैं सारे इसको रीयूज़ किया हुआ है, इसको मैं कभी इनको मैं वॉश करके सुखा के फिर इसके अंदर ग्रीन चिल्ली डाल सकते हैं, टोमेटो डाल सकते हैं, और फ्रिज में रख सकते हैं इसको रैप करके, एयर पूरा मतलब एयर, देखो एयर भी जाती है इससे, और हमारा मतलब ये रीयूज हो जाता है। तो आप भी यूज़ कीजिए, वेस्ट मत करो, इतना अच्छा पैकेट क्यों फेंगे, ऐसा नहीं है ले तो सकते हैं। और फ्रेंड्स मैं ना इस वाले पैकेट को दोबारा से रीयूज़ कर देती हूँ, मुझे फेंकना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हाँ जब आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ फेंकने लायक है तब तो उसको फेंक दो, बट ये मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला पैकेट इसका, तो जैसे ये ऊपर से बंद होता है सील्ड होता है, तो मैं इसको रीयूज़ कर लेती हूँ, जैसे धनिया वगैरह धो के रखते हैं सुखा के, फिर इसको हरा धनिया धो के फिर सुखा लेना, फिर इसके अंदर रैप करके रखती हूँ, इसमें एयर भी नहीं जाती है, इसमें आप ग्रीन चिली रख सकते हो, टोमेटो रखते हो, और अपने फ्रिज में इसको सेफ रख सकते हो।
और अपनी वेजिटेबल को इसमें अच्छे से रख सकते हैं, अलग अलग वेजिटेबल को इन पैकेट्स में भर कर। फ्रेंड्स अब देखिए वो चीज़, ये देखिए जो मैंने अमरटेक से ली थी वो बेडशीट, तो इतनी अच्छी लग रही है, बिछी हुई बिल्कुल टाइट, और इसका जो डिज़ाइन है सर्कल में बीच में ये भी बहुत सुंदर लग रहा है, तो मतलब काफ़ी इसकी लेंथ ब्रेथ बहुत काफ़ी अच्छी है। अभी हमने इसको यहाँ से फोल्ड करके रखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे फोल्ड, यहाँ इसको फोल्ड किया हुआ है, यहाँ से भी चारों साइड से ये कवरअप है और पूरा बेड बहुत अच्छा लग रहा है। तो नीचे वाली स्टोरी में पुट्टी हो चुकी है, सेकंड स्टोरी में कर रहे हैं अब ये साफ। और ये भी है एक पेंटर जो कि फ्री में है, ये पेंटर पर है बहुत महंगा पेंटर, ये हर कभी चाय मांग लेते हैं, फिर इनका लंच भी है, डिनर भी है, ब्रेकफास्ट भी है। सो फ्रेंड्स इस वक्त हमारे यहाँ पर बहुत तेज़ धूप लगी हुई है जिसको आप देख सकते हो, तो इसीलिए इन्होंने अम्ब्रेला यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज़ धूप लगी है ऊपर। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे घर का पेंट कैसा लगा, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।